हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम डार्बोक्स थ्योरम पढ़ेंगे डार्बोक्स <coughs> थ्योरम आपके पास एंड प्रूफ भी आती है तो इसकी स्टेटमेंट भी सबको आनी चाहिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इफ एफ इज अबाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन फॉर ईच अप ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट देर कॉरस्पॉन्ड्स डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट यू एफ पी इज़ लेस दैन अपर इंटीग्रियल प्लस अप्साइल मीन्स आपको दो पार्ट्स प्रूव करने हैं एफ एक बाउंडेड फंक्शन गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी पे आपको प्रूव करने की फ्रीच अप्साइलन ग्रेटर दैन जीरो देर कोरस्पॉन्स डेल्टा सच दैट अपर सम इज लेस दैन अपर इंटीग्रल प्लस अपसाइलन लोअर सम इज़ ग्रेटर दैन लोअर इंटीग्रल माइनस अप्साइलन फ्रीच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉम पी लेस देन डेल्टा मीन्स आपने एक पार्टीशन करनी है पी क्लोज इंटरवल ए बी की उसमें जो मैक्सिम लेंथ है सब इंटरवल की वो क्या होनी चाहिए लेस देन डेल्टा होनी चाहिए नॉम ऑफ पी लेस देन डेल्टा होना चाहिए अब देखो आपके पास गीवन क्या है एफ एक बाउंडेड फंक्शन गीवन है अगर एफ बाउंडेड है इसका मतलब क्या है उसका लोअर बाउंड भी एक्जिस्ट करेगा उसका अपर बाउंड भी एक्जिस्ट करेगा मतलब एक पॉजिटिव नंबर के एक्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी ठीक है ये बाउंडेड की डेफिनेशन यहाँ तक अब पहला पार्ट प्रूव करते हैं पहले पार्ट में क्या हमें गिवन क्या है अपर इंटीग्रल अब देखो अपर इंटीग्रल होता क्या है जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में कराया है अपर इंटीग्रल जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम होता है अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हो वही तो अपर इंटीग्रल आता है ठीक है तो दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है देर फॉर फो रीच ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी वन इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस अप साइलेंट बाई टू ये कैसे आया क्योंकि देखो ये क्या है अपर सम ये क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि अगर आप आपने देखा हो अगर हमारे पास ये क्लोज इंटरवल ए बी है एफ कोई फंक्शन है ठीक है एफ फंक्शन है ए क्या है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अगर ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसका मतलब क्या है कि ए छोटा है ए छोटा है और एफ़ सारे के सारे उससे बड़े हैं लेकिन अगर जैसे ही हमें कोई ए में हम कोई स्मॉल पॉजिटिव अप्साइलन ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा ए की वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी जैसे इसमें प्लस अपसाइलन ऐड किया इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई फंक्शन ऐसा मिल जाएगा जो आपके पास लेस देन हो जाएगा ए प्लस अपसाइलन से यानी कि अगर ये रियल लाइन है ये ए है ये बी है आपको पता है सारे एफ़ इधर पड़े हैं यानी कि ए लोअर बाउंड है लेकिन जैसे ही हमने ए प्लस अपसाइलन किया तो ये मान लो आ गया ए प्लस ऑफसाइलन मीन्स कोई ना कोई ये एफ ऐसा मिल गया जो क्या है लेस देन ए प्लस ऑफसाइलन है वैसे तो ए सबसे छोटा था ठीक है ए इज़ लेस देन एफ था इसी तरह से यहाँ से देखो ये क्या था अपर सम ये अपर सम है ये अपर सम्स का लोअर बाउंड है अगर ये लोअर बाउंड है इसका मतलब क्या है कि लोअर बाउंड क्या होता है सबसे छोटा दैट इज़ ए ए टू बी बार ये सबसे छोटा है अपर सब में यानी कि यू एफ पी वन के पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई स्मॉल पॉजिटिव इंटीज़र ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी और इसकी वैल्यू जैसे ही आपके पास इसमें पॉजिटिव इंटीज़र ऐड किया कोई भी प्लस अप्साइलन बाई टू किया तो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी एफ पी वन से बस यही कंसेप्ट हमारा यहाँ लगा है यू एफ पी वन क्या हो जाएगा लेस देन ए टू बी बार एफ टी एक्स प्लस अप्साइलन बाई टू अब P1 एक पार्टीशन है जिसमें पी प्लस वन पॉइंट है देखो यहाँ जीरो से शुरू हो रहे हैं P तक जा रहे हैं वन से P तक P पॉइंट्स तो ये हैं और एक पॉइंट ये है। तो पी प्लस वन पॉइंट हो गए इंक्लूडिंग A एंड पी अब डेल्टा हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया सच दैट डेल्टा की वैल्यू जो है लेस देन इस नंबर से है साइलेंट बाई फोर के पी माइनस वन ये हमने अपनी तरफ से चूज किया डेल्टा इज़ अ पॉजिटिव नंबर ठीक है अब पी क्या पार्टीशन गिवन है हमें पी एक पार्टीशन है विद नॉम पी लेस देन डेल्टा P स्टार हमने एक कॉमन रिफाइनमेंट डिफाइन कर ली P स्टार इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1 जो दो पार्टीशंस है उनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले ली ठीक है अब इस रिफाइनमेंट को हमने ऐसा सपोज किया है कि इस रिफाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा P माइनस वन एडिशनल पॉइंट है अब रिफाइनमेंट है देखो रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे ठीक है तो हमने क्या सपोज कर लिया कि उसमें एटमोस्ट पी माइनस वन एडिशनल पॉइंट्स हैं पी से पी से पी माइनस वन पॉइंट्स उसमें ज़्यादा है ठीक है अब इस पे आपने एक थ्योरम करी है पीछे आप थ्योरम पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास कोई रिफाइनमेंट होती है और उस रिफाइनमेंट में आपके पास P पॉइंट्स ज़्यादा आ जाए ठीक है कहते हैं तो पी डैश इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P कंटेनिंग P पॉइंट्स मोर देन P तो आपके पास और फंक्शन बाउंडेड हो तो आपके पास रिजल्ट क्या होता है एल एफ पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी डैश इज़ लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी प्लस टू पी के डेल्टा मीन्स जो आपके पास पुरानी रिफाइनमेंट थी उसका लोअर सम छोटा होगा नई वाली रिफाइनमेंट के लोअर सम से और वो अगेन छोटा होगा पुरानी रिफाइनमेंट का सम प्लस जितने पॉइंट ज़्यादा हैं टू पी के फंक्शन जहाँ बाउंडेड है एंड डेल्टा जो आपके पास नंबर एग्जिस्ट करता है ठीक है तो इस थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करते हैं अब देखो हमारे पास रिफाइनमेंट क्या है आपके पास एक पी है एक पी वन है ठीक है तो आपके पास क्या होगा यहीं से इसका जो दूसरे वाली पार्ट अगर हम यूज करें तो इसका जो अपर सम होगा अपर सम ऑफ आपके पास इस वाली रिफाइनमेंट का यू एफ पी माइनस टू के पॉइंट्स एडिशनल कितने हैं पी माइनस वन डेल्टा लेस देन होगा जो आपके पास नई वाली रिफाइनमेंट है पी स्टार और वो अगेन लेस देन होगा आपके पास पी वन वाले रिफाइनमेंट से ठीक है तो इस वाली थ्योरम का यूज हमने यहाँ पे कर लिया ये हुआ लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी वन और यू एफ पी वन अगेन किससे लेस है इससे तो इसकी जगह हम ये ले, रख दें तो ये क्या हो गया लेस देन अपर इंटीग्रेल प्लस अपसाइल बाय टू आपके पास यहाँ से आ गया ठीक है अब यहाँ से क्या करो फर्स्ट फैक्टर और ये लास्ट फैक्टर उठाया फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर में से टू के पी माइनस वन डेल्टा को इधर ले आए तो यू एफ पी क्या हो गया लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस अपसाइल बाई टू प्लस टू के पी माइनस वन डेल्टा हो गया आपके पास अब आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपने सपोज कर रखी है ये वाली तो डेल्टा को रिप्लेस कर दो ठीक है बीच में लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन ही चलेगा या आपके पास क्या हो जाएगा लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस अप्साइलन बाय टू प्लस टू के पी माइनस वन और डेल्टा की वैल्यू हमने रख दी अप्साइलन बाय फोर के पी माइनस वन यहाँ से ही आपके पास ये कैंसिल बचेगा कितना प्लस बन जाएगा यानी कि आपके पास क्या हो गया अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस अब यही डार्क थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन थी जो हमें प्रूव करनी थी अब इसका जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में आपके पास गिवन है लोअर इंटीग्रल अब लोअर इंटीग्रल भी आपको पता है लोअर इंटीग्रल क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स ठीक है तो ये लोवर इंटीग्रल है ये लीस्ट अपर बाउंड है लोअर सम्स का अब जैसे हमने पीछे अपर सम पर कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है इसका मतलब क्या है कि ये अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है यानी कि यही वाला फंक्शन अगर हम यहाँ लें तो ये जो है आ, ए बार टू बी एफ डी एक्स ये लीस्ट अपर बाउंड है लीस्ट अपर बाउंड मीन्स जितने भी अब आप, आपके पास लोअर सम्स होंगे वो सारे के सारे लोअर सम्स क्या होंगे इससे छोटे होंगे क्योंकि ये अपर बाउंड है ना तो जितने भी लोअर सम्स होंगे वो सारे के सारे इससे छोटे होंगे लेकिन जैसे ही हम इसमें से थोड़ा सा कोई क्वान्टिटी माइनस करेंगे लोअर बाउंड में एड करते हैं अपर बाउंड में जैसे ही माइनस करते हैं तो वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा माइनस करने पर यानी कि ये अगर माइनस अब बाई टू हम इसमें से कर देंगे तो मान लो ये यहाँ शिफ्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि यहां कोई ना कोई लोअर सम मिल जाएगा जो इस वाले नंबर से बड़ा होगा यानी कि अगर मैं इसमें से लोवर इंटीग्रल में से एक क्वांटिटी माइनस अपसाइलन बाय टू कर दूं तो क्या होगा कोई ना कोई एक लोअर सम मिल जाएगा एल एफ पी वन जो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा ठीक तो यहाँ पे आपका ये वाला कंसेप्ट लग गया तो आपके पास ये कंडीशन आ गई अब फिर से पी पी वन जो पार्टीशन है कितने पॉइंट्स है इसमें पी प्लस वन पॉइंट्स जैसे हमने पीछे किया था फिर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करा लिया सपोज कर लिया डेल्टा सच दैट डेल्टा इज़ लेस देन अब साइलेंट बाई फोर के पी माइनस वन पी एक पार्टीशन ले ली विद नॉम पी लेस देन डेल्टा पी स्टार हमने एक रिफाइनमेंट डिफाइन करी पी वी यूनियन पी वन की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पी माइनस वन एडिशनल पॉइंट्स हैं ठीक है रिफाइनमेंट है तो पी माइनस वन एडिशनल पॉइंट अब सेम वही थ्योरम जो हमने यहाँ पे लगाई थी थ्योरम नंबर 1.8 ये अब लोवर सम के लिए लगा दो क्या कहता है पुरानी रिफाइनमेंट पुरानी पार्टीशन का लोअर सम नई पार्टीशन का सम बड़ा होगा पुरानी वाली से और वो अगेन आपके पास क्या होगा पुरानी पार्टीशन का सम प्लस टू पी के डेल्टा पी इज़ द पॉइंट्स जितने हमने ऐड करे अब यहाँ हमने पॉइंट कितने ऐड करे हैं पी माइनस वन पॉइंट ऐड किए हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा एल एफ पी प्लस टू के पी माइनस वन डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ पी वन और एल एफ पी वन आपके पास बड़ा है ए टू बी एफ डी एक्स माइनस अपसेन बाई टू तो इसका यूज़ हमने यहाँ कर लिया ठीक है अब यहाँ से फिर से क्या करूँ इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाई फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाएंगे तो एल एफ पी इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस टू के पी माइनस वन डेल्टा डेल्टा की वैल्यू यूज़ करी और यहाँ से कैंसिल होके कितना बच गया माइनस अब साइलेंट बाई टू माइनस अब साइलेंट बाई टू माइनस अब साइलेंट बाई टू और माइनस अब साइलेंट बाई टू कितना बन जाएगा अब ठीक है और यही आपको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में ठीक है तो डार्क बॉक्स थे और हम आपके पास स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और प्रूफ भी याद रखना है इसी की करोलरी है कि अगर एफ बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो जो अपर सम्स हैं और नॉम पी टेंस टू ज़ीरो लिमिट इक्वल टू आती है अपर इंटीग्रल के और लोअर सम नॉम पी टेंस टू जीरो इक्वल आती है लोअर इंटीग्रल के ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट है और हम आते हैं कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अब इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन हमने करनी है अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल होगा अगर उसका लोअर इंटीग्रल इक्वल हो जाए अपर इंटीग्रल के और इक्वल हो जाए इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स के ठीक है तो ये हमने किया था रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन में अब आपको प्रूव क्या करना है द नेसेसरी एंड सफिशंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ To be integrable on closed interval A B is that for each epsilon greater than zero, there exists a partition P of closed interval AB such that UFP minus L F P is less than epsilon. Okay? हम देखो एक बात ध्यान रखना जितने भी हम इंटीग्रेबलिटी की डेफिनेशन कर रहे हैं या कोई भी थ्योरम कर रहे हैं सब में फंक्शन हमारा कैसा है बाउंडेड है और एक क्लोज इंटरवल ए बी की वन है अब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है मीन्स आपको दोनों साइड से प्रूफ करना है एक बार ये आप लेके चलोगे एफ इंटीग्रेबल है और ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे एक बार ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और एफ को इंटीग्रेबल दिखाएंगे ठीक है तो पहले हमने सपोज कर लिया कंडीशन इज नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन में हमने लिया कि फंक्शन इंटीग्रेबल है अब अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के एंड इक्वल होगा लोअर इंटीग्रल के ठीक है अब अपर इंटीग्रल क्या होता है अपर इंटीग्रल आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम और लोअर इंटीग्रल लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स ठीक है तो लोअर एंड अपर इंटीग्रल क्या है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ लोअर एंड अपर सम्स रिस्पेक्टिवली मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका भी बताया था एल एल यानी कि लीस्ट अपर बाउंड लोअर सम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपर सम ठीक है तो आपके पास अगर ये लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो आपके पास पार्टीशन एग्जिस्ट करेंगे पी वन एंड पीटू लोअर सम्स के लिए हमने मान लो पी वन पार्टीशन ले ली अपर सम्स के लिए पी टू पार्टीशन ले ली अब अगर पीवन पार्टीशन ली जैसे हमने डारबॉक्स बहुत में ने कंसेप्ट लगाया है क्योंकि एल तो लोवर सम है ये लोवर इंटीग्रल है लोवर इंटीग्रल मीन्स आपके पास क्या है ये लिस्ट अपर बाउंड है अपर बाउंड तो सबसे बड़ा होता है लेकिन जैसे ही हम उसमें से कोई क्वांटिटी माइनस करेंगे तो वो ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी तो ये बड़ा हो गया और ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है ए टू बी एफ डी एक्स के ये वैल्यू पुट कर दी फिर अब बात आती है अपर सम की ये है अपर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि ये लोअर बाउंड है लोअर बाउंड है तो ये सबसे छोटा है बाकी सारे फंक्शंस इससे बड़े हैं लेकिन जैसे ही इसमें कोई क्वांटिटी एड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कोई फंक्शन इससे छोटा हो जाएगा यहाँ पे फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे ए टू बी एफ डी एक्स प्लस अब साइलन बाई हो जाएगा अब जो दोनों पार्टीशन थी उनकी हमने यूनियन कर दी और नाम दे दिया उसको P अब दोनों पार्टीशन की यूनियन करने पर P नाम देने दे दिया अब P जो है यानी कि इन दोनों की कॉमन पार्टीशन है कॉमन है तो आपके पास क्या होगा इसका अपर सम जो हो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा पी टू के अपर सम से और पी टू का अपर सम किससे लेस है ए टू बी एफ डी एक्स बाई टू से ठीक है और हमें ये बात भी पता है कि अपर सम हमेशा जो सॉरी ए टू बी एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन बाय टू से ये आपके पास हो गया और अगर यहाँ से देखो ए टू बी एफ डी एक्स की वैल्यू निकाल लो इस वाली इक्वेशन से ए टू बी एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस अब सैलन बाई टू को इधर ले जाओ यानी कि एल एफ पी वन प्लस अब साइलन बाय टू यहाँ से वैल्यू आ गई ठीक है तो ये वाली वैल्यू हम इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं एल एफ पी वन प्लस अपसाइलन बाय टू और प्लस अपसाइलन बाय टू टोटल कितना हो जाएगा अबसाइलन एल एफ पी को इधर लेके जाएंगे तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो गया लेस देन अप्साइलन आपके पास हो जाएगा ठीक है अब आपके पास ये एक साइड से प्रूफ हुआ अब दूसरी साइड से सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है सफिशिएंट के लिए सपोज करो यूएफपी पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन अपसाइलन हमें फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल प्रूफ करना है रिमांड इंटीग्रेबल के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल प्रूफ करना पड़ेगा ठीक है अब देखो हमें पता है कि जो लोअर सम होता है किसी पार्टीशन का वो कभी भी अपर सम से बड़ा नहीं जा सकता मीन्स लोअर सम इज़ ऑलवेज लेस देन अपर सम ये चीज़ तो हमें पता है ठीक है और दूसरी बात कि जो लोअर सम होता है वो लोअर इंटीग्रल से भी छोटा होता है क्योंकि लोअर इंटीग्रल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ठीक है और अपर सम जो होता है वो आपके पास अपर बाउंड से बड़ा होता है ठीक है तो इन कंडीशन को कंबाइन कर लें मीन्स हमें पता है कि जो लोअर सम होता है किसी भी पार्टीशन का वो हमेशा अपर सम से छोटा रहता है एक चीज़ तो हमें ये पता है दूसरी चीज़ हमें पता है कि लोअर सम जो होता है वो आपके पास जो लोअर इंटीग्रल है ए टू बी एफ डी एक्स उससे छोटा होता है और जो अपर सम होता है यू एफ पी वो आपके पास अपर इंटीग्रल से हमेशा बड़ा होता है ठीक है दिस इज़ आपके पास क्या हो जाएगा यू एफ पी ठीक है यहाँ तक अब इन सारी कंडीशन को कम्बाइन करो देखो ये चीज इससे छोटी है और लोअर इंटीग्रल आपके पास एक कंडीशन और है लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ठीक है तो ये वाली चीज इससे छोटी है ये अगेन इससे छोटी है और ये इससे छोटी है तो इन सारी कंडीशन को आप कंबाइन कर दो कंबाइन करने पर आपको क्या मिलेगा कि लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सब ठीक है यहां से क्या करूँ हाँ, अपर इंटीग्रल इसको इधर शिफ्ट कर दो और लोअर सम को इधर शिफ्ट कर दो तो ये इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा और लोअर सम इधर जाएगा तो अपर सम माइनस लोअर सम हो जाएगा और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली पूरी टर्म क्या है लेस देन अब है तो ये वाली पूरी टर्म क्या होगी लेस देन अब और अबसाइलन क्या होता है एक आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है इसको हम जीरो भी सपोज़ कर सकते हैं तो हमने क्या ले लिया इसको जीरो ले लिया इससे क्या होगा ये इधर चला जाएगा मीन्स लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास इंटीग्रेबल हो गया अब नेक्स्ट कंडीशन आती है थ्योरम आती है ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली फॉर ईच अपसाइल ग्रेटर देन जीरो देअर कोरस्पॉन्डस डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉम पी लेस देन डेल्टा यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन अपसाइल ठीक है अब आपके पास वहाँ भी नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन थी यहाँ भी आपके पास ये इफ़ एंड ओनली लीव कंडीशन है वहाँ भी आपको एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल था और यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेसन प्रूव करना था यहाँ भी आपको सेम कंडीशन प्रूव करनी है सिर्फ डिफरेंस आपके पास कहाँ है सिर्फ डिफरेंस इतना है वहाँ पे आपके पास फॉर इच अब साइलेंट ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ पे आपके पास फॉर एवरी पार्टीशन है ठीक है देर एग्जिस्ट और फॉर एवरी सिर्फ ये डिफरेंस है थ्योरम में ठीक है अब कंडीशन इज नेसेसरी सबसे पहले सपोज करके चलते हैं फंक्शन इंटीग्रेबल है और हम ये वाली चीज़ को प्रूव करते हैं अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या होगा अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स आपके पास हो जाएगा और अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो हमने डार्क थ्योरम भी करी है डार्क थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो जो अपर सम होता है वो लेस देन किससे होता है अपर इंटीग्रल प्लस सबसाइलेंट बाय टू से ठीक है ये डार्क थ्योरम के दो पार्ट किए ना एक तो अपर सम और दूसरा कर रहा है कि जो लोअर सम होता है वो ग्रेटर देन होता है लोअर इंटीग्रल माइनस सब्साइलेंट बाय टू अभी करके आई हैं डार्क थ्योरम तो हम अब इसकी जगह क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हम लोअर इंटीग्रल की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और अपर इंटीग्रल की जगह भी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी ये हो गया प्लस अपसाइलन बाय टू यहाँ पुट कर दिया ए टू बी एफ डी एक्स माइनस अपसाइलन बाय टू अब हमें इन दोनों कंडीशन को कम्बाइन करना है लेकिन यहाँ लेस देन है यहाँ ग्रेटर देन है तो पहले इन इक्वालिटी सेम करनी पड़ेगी अगर इन इक्वालिटी सेम करनी है तो क्या करो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ एल एफ पी लेस देन हो गया माइनस ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एफ साइलन बाई टू इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो क्या हो जाएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास टू बी एफ डी एक्स कैंसिल बचेगा कितना आप बाय टू प्लस अपसाइलन बाई टू और वो कितना हो जाएगा अपसाइलन हो जाएगा ठीक है यानी कि फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉम पी लेस देन डेल्टा क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर ईच पार्टीशन के लिए काम करना था तो हमने डार्बॉक्स थ्योरम का यूज़ किया है यहाँ पे हमें एक पार्टीशन एग्जिस्ट करानी थी इसलिए हमने लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज़ किया ठीक है तो दोनों थ्योरम के प्रूफ में डिफरेंस है यहाँ पे लोअर अपर सम की लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज़ करके करना है जहाँ देर एग्जिस्ट है पार्टीशन की बात आती है और जहाँ फरीज पार्टीशन की बात आती है तो आपको हमारा डार्क बॉक्स थियोरम का यूज़ करना है अब इसका कन्वर्सली पार्ट भी करना है सफिशियंट कंडीशन ये वाली कंडीशन सपोज करके चलेंगे और हमें फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है ठीक है तो सपोज करो यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एफ फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉम पी लेस देन डेल्टा अब फिर से वही कंडीशन जो हमें पता है कि जो लोअर सम होता है वो हमेशा लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है लोअर इंटीग्रल हमेशा अपर इंटीग्रल से छोटा होता है और अपर इंटीग्रल हमेशा अपर सम से छोटा होता है ठीक है यहाँ से फिर से वही काम करो अपर इंटीग्रल में माइनस लोअर इंटीग्रल कर लो और अपर सम माइनस लोअर सम कर लो ठीक है तो यहाँ से अपर सम माइनस लोअर सम किससे लेस देना है अब साइलेंट से लेस है तो आपके पास टोटली क्या हो जाएगा कि फॉर ईच अब साइलेंट क्योंकि अब साइलेंट आर्बिट्रेरी है तो हम क्या सकते? कर सकते हैं इसको जीरो चूज़ कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि आप इसको इधर लेके आएंगे तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो गया इट मीन्स फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया ठीक है एक थेरम और कर लेते हैं एबाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर आई सच दैट फॉर इच अपटर दैन जीरो देर एक्सिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस आई इज लेस दैन अपई माइनस एल एफ पी इज लेस दैन अपलेंट अब फिर से देखो फंक्शन आपको नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है यानी कि इफ एंड ओनली प्रूव करना है इफ एंड ओनली प्रूव करना है दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा एक बार ही लेकर चलोगे फंक्शन इंटीग्रेबल है ये कंडीशन प्रूव करोगे और एक बार ये दोनों कंडीशन लेके चलोगे फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाओगे अब अभी तक हम इंटीग्रेबल की डेफिनेशन क्या यूज करें कर रहे थे कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है अगर उसका लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल हो जाए ठीक है लेकिन अभी हम पीछे जो थ्योरम्स करके आए हैं उसमें हमने ये काम किया है कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है अगर यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलेंट हो जाए ठीक है तो अब हम इसका यूज़ करेंगे जब तक हमारे पास ये कंडीशन नहीं आई थी तब तक तो हमने लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल का यूज़ किया अब हमारे पास ये थ्योरम आ चुकी है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन अपसाइलेंट हो जाए तो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है ठीक है तो अब इसको इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करके चलेंगे तो कंडीशन इज नेसेसरी सपोज करो फंक्शन इंटीग्रेबल है फंक्शन इंटीग्रेबल है देन बाय द थ्योरम फॉर ए गिवन रियल नंबर ऑफ साइलेंट देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेसन ऑफ साइलेंट ठीक है क्योंकि अब हमें नया रिजल्ट मिल चुका है तो अब हम नए का ही यूज़ करेंगे अब हम पुराने का यूज नहीं करेंगे अब हमें करना क्या है हमें एक आई लेना है आई नंबर है जो एल एफ पी और यू एफ पी के बीच में है देखो ये एल एफ पी लोअर समय यू एफ पी अपर है इसके बीच में हमने एक आई नंबर लिया ठीक है तो हमें इस चीज़ को लैफ देने साइलेंट दिखाना है तो इसी को उठा लो यू एफ पी माइनस आई उठा लिया यू एफ पी माइनस आई उठाया अब देखो यू एफ पी माइनस आई अगर मैं क्या लूँ मैं दो नंबर ले लेती हूँ देखो हमने ले लिया टू और ये ले लिया सिक्स और इसके बीच में एक आई नंबर उठा लिया हमने फोर ले लो थ्री ले लो ठीक है अब देखो अगर हम क्या करते हैं सिक्स माइनस टू करते हैं और एक करते हैं हम यू एफ पी सिक्स माइनस थ्री ठीक है यानी कि अगर ये मान लो यू एल एफ पी है ये यू एफ पी है और ये है आई तो हमें करना क्या हमें निकालना है यू एफ पी माइनस आई निकालना है ठीक है यानी कि हमें सिक्स माइनस थ्री निकालना है तो कितना आया थ्री और अगर हम यू एफ पी माइनस एल एफ पी निकालें तो वो कितना आएगा फोर यानी कि थ्री इज लेस देन फोर मीन्स यू एफ पी माइनस आई क्या है लेस देन है यू एफ पी माइनस I love pee. ठीक है यहाँ तक तो हमने इस कंडीशन का निकाल लिया यू एफ पी माइनस आई इज लेस देन यू एफ पी माइनस एल एफ पी अब हमें निकालना है आई माइनस एल एफ पी देखो आई माइनस एल एफ पी करो मीन्स थ्री माइनस टू करो दैट इज़ वन और दूसरा है यू एफ पी माइनस एल एफ पी यू एफ पी मीन्स सिक्स माइनस टू सिक्स माइनस टू कितना आएगा आपके पास फोर ठीक है तो यहाँ से ये भी क्या आया लेस देन आया मीन्स आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि आई माइनस एल एफ पी इज लेस देन यू एफ पी माइनस एल एफ पी और यू एफ पी माइनस एल एफ पी किस लेस है

ठीक है तो हमने उठा लिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली यू एफ पी माइनस एल एफ पी उठा ली अब इसमें क्या करते हैं आई को ऐड कर देते हैं आई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें जो कंडीशन गिवन है हमें उसका यूज भी करना है तो आई को ऐड कर दिया आई को सब्ट्रैक्ट कर दिया अब देखो यहाँ से आपके पास जो है इस वाली कंडीशन को रख लो और इसको रख लो क्योंकि आपको पता है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई होता है तो यहां से ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मोड यू एफ पी माइनस आई प्लस मोड़ आई माइनस एल एफ पी और यू एफ पी माइनस आई किससे लेस है एप्सिलॉन बाय टू से और आई माइनस एल एफ पी किससे लेस है एप्सिलॉन बाय टू से दोनों का सम क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन तो टोटली यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन यानी कि इंटीग्रेबल की कंडीशन आ गई इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो गया इंटीग्रेबल हो गया ठीक है तो हमने एक थ्योरम पढ़ ली अब अभी तक हम ये करके चल रहे थे कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है अगर लोअर इंटीग्रल इक्वल टू तो अपर इंटीग्रल हो जाता है लेकिन अब हमारे पास थ्योरम आ गई कि फंक्शन इंटीग्रेबल होता है अगर अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन साइलन हो जाए जब तक कोई और नई कंडीशन नहीं मिलती तब तक हम इंटीग्रेबल की डेफिनेशन के लिए यही कंडीशन का यूज़ करते हुए चलेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना सफिशियंट है अगर किसी को इसमें लेक्चर में डाउट हो तो वो गूगल मीट में पूछ सकते हैं ठीक है